गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर फन विद मैग्नेट्स प्रीवियस वीक वी विल डिस्कस अबाउट फन विद मैग्नेट्स एंड वी विल कंप्लीट दैट चैप्टर. टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर सेवन. दैट्स नेम इज गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स या गेटिंग टू नो प्लांट्स. कि ये टाइम है प्लांट्स को जानने का. प्लांट्स को क्या जानना है? आप मुझे एक बात बताइए कि प्लांट्स को क्या जानना है, उनके बारे में कुछ जानने लायक है? आपको तो ये लगेगा कि हमारे आसपास इतने सारे टाइप्स के प्लांट्स हम सब देखते हैं, हमें इनके बारे में कुछ पूछना ही नहीं है ना हमें कुछ पता करना, हमें तो सब कुछ पता है. फिर आपको पता चलेगा कि जो आप देखते हैं आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हीं के बेस पे काफी चीजें आपकी और भी अलग अलग आते हैं, नेम्स आते हैं उनके कि इस टाइप के ऑब्जर्वेशन को ये नेम देते हैं, इस टाइप के ऑब्जर्वेशन को ये नेम देते हैं. ठीक है, अब देखते सब कुछ है, बस अब उसको एक नेम देना है आपको, एक उसको डिफाइन करना है कि किसी भी चीज के अकॉर्डिंग. आज आपका गेटिंग टू नो प्लांट्स. बेटा आप सराउंडिंग में प्लांट्स देखते हैं, प्लांट्स आपके लिए कैसे जरूरी है? कहते हैं ना जैसे मछली के लिए पानी जरूरी है, वैसे आपके लिए क्या जरूरी है? प्लांट्स जरूरी है, क्योंकि प्लांट्स से आपको क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है. अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो प्लांट्स चाहिए, तो प्लांट्स आपके लिए बहुत जरूरी है, उनके बारे में आपको पता करना भी होना चाहिए. जो चीज आपके लिए इतनी जरूरी है तो उसके बारे में आपको पता तो होना चाहिए ना, तो आप प्लांट्स के बारे में पता करेंगे. आपने कभी ऑब्जर्व किया है अपने सराउंडिंग के अंदर कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, क्या क्या प्लांट्स में आपने ऑब्जर्व किया होगा? देखो भाई, मैंने तो जो ऑब्जर्व किया मैं आपको बिल्कुल ओपनली बताती हूँ. अगर आपने भी ऑब्जर्व किया तो अपने माइंड में सोच लेना, हाँ हमने भी यही ऑब्जर्व किया है. मैंने ये देखा जब मैं छोटी थी ना, तो मैं एक चीज देखती थी, मैं ये देखा मैंने कि कुछ प्लांट्स क्या होते हैं हमारे, बहुत छोटे थे, कुछ मीडियम साइज के थे, कुछ बहुत ज्यादा बड़े थे, मतलब बहुत ज्यादा. मुझे जब छोटी थी ऊपर देखती थी तो ऐसा लगता था आसमान की भिड़ रहा है, स्काई की भिड़ रहा है. इस तरह से आपके प्लांट्स डिवाइड किए थे. फिर मैंने देखा, मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा, पापा किसी इस पेड़ के ऊपर तो फूल लगते हैं, दूसरे पेड़ के ऊपर फूल नहीं लगते, क्यों पापा? ये बात हुई वहां पे कि किसी पे फूल लगते हैं, किसी पे फूल नहीं लगते. ठीक है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ थोड़े बड़े और कुछ बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं. मैंने तो ये ऑब्जर्व किया पहले स्टार्टिंग में, तो उसके बेस पे हमें यहां से स्टार्ट करते हैं कि आप भी अब छोटे हैं, हम ही तो बड़े हुए, आप तो भी छोटे हो, हमें तो रीजंस पता, आपको भी नहीं पता. तो उस तरह से प्लांट्स को सबसे पहले मैंने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया कि प्लांट्स होते हैं. पहली बात चलो सब छोड़ो, सबसे पहले ही बताओ, मुझे छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है फोर्थ स्टैंडर्ड में, प्लांट्स अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं? प्लांट्स अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? फोटोसिंथेसिस. क्या बोलते हैं आप उसको? फोटोसिंथेसिस आपका क्या होता है? एक प्रोसेस का नाम है. क्या आपका एक प्रोसेस का नाम है? फोटोसिंथेसिस. जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी हेल्प से प्लांट्स अपना क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं. वो किस तरह से बनाते हैं? कि उनकी लीफ होती है. क्या होती है उनकी लीफ? पत्ती. पत्ती का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है. किसकी वजह से होता है? एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से कलर होता है, वो क्या होता है आपका? क्लोरोफिल. क्या होता है आपका? क्लोरोफिल. लीफ का ग्रीन कलर किस वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये होता है कि जो क्लोरोफिल है, बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और सनलाइट, ये चारों चीजें मिलकर आपको क्या देते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन. क्या देते हैं आपको? ग्लूकोज और ऑक्सीजन. ये बात थी आपके फोटोसिंथेसिस की, बिल्कुल एक बार हमें टच करना था, ये हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है. अब इस चैप्टर के अंदर आप मेन किन किन पार्ट्स के बारे में बात करते हो? अगर आप प्लांट देखते हो तो सबसे पहले प्लांट देखते ही आपके माइंड में क्या आता है? अगर मैंने यहाँ पे एक प्लांट टाइप का कुछ आपको कहते हैं ना कि फूल आपको बना के दिया है, मैंने एक छोटे बच्चे ड्राइंग करते हैं उस तरह से मैंने ड्राइंग कर दी, इस तरह से कि ये तो क्या है आपका? लीफ. मान आप ये समझ सकते हो कि आपका फ्लोर. क्या आपका ये फ्लोर? ये क्या आपकी लीफ? ये क्या आपका स्टेम? और यहाँ पे क्या आपकी रूट्स? तो आपको जैसे ही आप प्लांट्स देखते हो तो आपके तीन चीजें मेन होती है, लीफ, स्टेम और रूट्स. क्या होती है? लीफ, स्टेम और रूट्स. ठीक है, तो सबसे पहले आपके थ्री मेन पार्ट्स आते हैं कि एक आपकी लीफ आ गई, फिर क्या आ गया आपका स्टेम आ गया, और फिर क्या आ गया आपका रूट्स. प्लांट्स आपके थ्री के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, लीफ हो गया, रूट्स हो गया और आपका स्टेम. तो लीफ आपकी कहाँ यूज होती है? मैंने बता दिया, लीफ आपके प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होती है. ये यहाँ पे बोल सकते हैं लीफ किस प्रोसेस में यूज होती है? आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होती है. बेटा जो स्टेम होता है, स्टेम क्या करता है? स्टेम का टू काम होते हैं आपके स्टेम्स के. स्टेम्स के काम ये होते हैं कि जो आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लीफ के अंदर जो खाना बनता है उसको पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाना,
वो काम कौन करता है, स्टेम करता है, एक ये यूज हो गया। सेकंड कि रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है इसको सारे लीफ तक पहुंचाना, वो काम कौन करता है, ये स्टेम करता है। क्या करता है, ये आपका स्टेम करता है। और रूट्स का काम क्या होता है, जो वाटर और मिनरल्स होते हैं सोयल के उसको एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, रूट्स का होता है। तो देखो बच्चा माइंड में याद रखना हमेशा कि जो लीफ होता है, लीफ आपका कहाँ काम आता है, प्रोसेस फॉर मेकिंग फूड, लीफ इज यूज फॉर मेकिंग फूड, या इस तरह से आप बोल सकते हो लीफ इज यूज इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। लीफ कहाँ यूज होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होता है। स्टेम किस में यूज होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एंड वाटर एंड मिनरल। स्टेम आपका ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है, मतलब आपका रास्ता है जिससे फूड और पानी सारे बॉडी में, आपके प्लांट की बॉडी में पहुंचते हैं। रूट्स आपकी क्या होती है, रूट्स क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स को, ठीक है, सोइल में से। इस तरह से आपकी बात हो गई है प्लांट्स के मेन पार्ट्स की। फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने प्लांट्स डिवाइड किए, प्लांट्स को मैंने टू टाइप्स में डिवाइड किया। एक ये बोला कि फ्लोरिंग प्लांट है, और एक क्या बोला मैंने, एक बोला मैंने फ्लोरिंग प्लांट है, और दूसरा मैंने क्या बोला, नॉन फ्लोरिंग प्लांट है। मतलब एक पे तो फूल आते हैं और एक पे फूल नहीं आते, ठीक है। जिन प्लांट्स के ऊपर फूल आते हैं उनको आप क्या बोलते हो, फ्लोवर्स जिस पे लगते हैं उसको क्या बोलते हो, आप फ्लोरिंग प्लांट्स बोलते हो। इवन दो लेमन भी होता है, लेमन पे भी क्या आते हैं, फ्लोवर्स आते हैं, ठीक है। तो उससे फ्रूट बनता है, जिस भी प्लांट के ऊपर फ्लोर आके फ्रूट में कन्वर्ट होता है वो प्लांट कैसे होते हैं, फ्लोरिंग प्लांट होते हैं। जिनके ऊपर कोई फ्रूट ही नहीं आता, सॉरी फ्लोर ही नहीं आता, उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, नॉन फ्लोरिंग। काफी डेकोरेटिव पर्पस के प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर कोई फ्लोर नहीं आता, ठीक है। इस तरह से आपके प्लांट्स के टू टाइप्स में आपने डिवाइड किए। ये तो था आपके लुक के अकॉर्डिंग, आपने ये देखा कि फ्लोर्स के बेस पे कि फ्लोर्स आते हैं या नहीं आते। उससे अलग एक क्राइटेरिया होता है जिससे आप इसको प्लांट्स को डिवाइड करते हो, क्या होता है, उनकी अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। कैसे डिवाइड करते हो आप, अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। ये तो आपने उनके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग कर दिया कि भाई ये आपके फूल वाले हैं और बिना फूल वाले। एक इस तरह से भी कर सकते हो उनकी लेंथ का फैक्टर लेके, कि जिसकी लेंथ छोटी होती है, बहुत छोटी, किसी की मीडियम और किसी की बहुत हाई, तो आपका वो वहां पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स आपके कितने में डिवाइड होते हैं, थ्री टाइप्स में डिवाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ। आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हो, वन टू और थ्री। फर्स्ट पार्ट में आपका क्या होता है, हर्ब्स होते हैं। सेकंड में क्या आता है आपका, शब्स आते हैं आपके, हर्ब्स आते हैं। और फिर दूसरा सेकंड क्या आता है आपका, शब्स। और थर्ड आपका क्या होता है, ट्रीज। थ्री आपके क्या होते हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग आपने प्लांट्स को क्या किया, आपने डिवाइड किया है, हर्ब्स, शब्स और ट्रीज, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे बात करते हो लेंथ के लिए, तो बेटा इसकी लेंथ क्या होती है, बहुत छोटी, वेरी लेस, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है, आप ये बोल सकते हो आपकी हाइट है, आपकी हाइट जितनी आपकी हाइट से थोड़ी सी और ऊंची। तो इसके लिए आप शब्स के लिए आप क्या बोलोगे, इनकी हाइट क्या होती है, आपकी मीडियम होती है। इनके लिए आप क्या बोलोगे, आप इनकी हाइट मीडियम होती है, आप इस तरह से बोल सकते हो, आप इसकी मीडियम, वेरी टॉल। ये क्या होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। इनके एग्जांपल्स देते हूँ, देखो मैं आपको। हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स आपके जैसे पार्क वगैरह होते हैं, उनके चारों साइड आप एक हैज लगाते हैं ना, एक प्लांट्स होते हैं जो बिल्कुल धरती के अंदर से उनके क्या होते हैं, ब्रांचेस निकली होती है ग्राउंड के साथ ही आपके, और वो बिल्कुल आपके यहाँ तक के, कहते हैं ना कि आपके आपकी हाइट से भी क्या होते हैं, हाफ हाइट के होते हैं। उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं आप, हर्ब्स बोलते हो। क्या बोलते हैं आप, हर्ब्स बोलते हो, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं मीडियम शेप के, आपकी हाइट या आपकी हाइट से थोड़े ज्यादा। फॉर एग्जांपल आपका लेमन का ट्री होता है, ठीक है। मोस्टली लेमन के ट्रीज आपके क्या होते हैं, आपकी हाइट या आपकी हाइट से थोड़े ज्यादा। कुछ ही केस ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी सी हाइट ज्यादा होती है, मीडियम हाइट के होते हैं बेटा ट्रीज। जैसे आपका ये बोल सकते हैं ना, नीम का पेड़ होता है, वो क्या होता है आपका ट्री, मैंगो ट्री होता है आपका, जो बड़े और विशालकाय होते हैं। इनके लिए एक और कंडीशन होती है बेटा, इनका जो स्टेम होता है वो क्या होता है, यहाँ पे स्टेम के लिए कंडीशन क्या है, ये हमेशा क्या होगा, इनका स्टेम ग्रीन होगा और टेंडर। ग्रीन एंड टेंडर क्या होगा आपका, स्टेम होगा, ठीक है। ग्रीन एंड टेंडर मतलब हमेशा हरा रहेगा, टेंडर मतलब लचीला, इसको आप किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हो, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल स्टेम्स होते हैं छोटे पेड़ों के आपके। उसके बाद आपको ये कहते हैं शब्स जो होती है, शब्स के लिए आपको मीडियम
इसके लिए मैं एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ आपको, हर्ब्स का एग्जाम्पल आप ले लो तो टोमेटो ट्री है, टोमेटो ट्री आपका क्या होता है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको नोट कर देती हूँ। टोमेटो, टोमेटो क्या होता है, बिल्कुल छोटा पेड़ होता है, उसका हमेशा तना हरा और लचीला होता है, हाइट क्या होती है बहुत छोटी होती है, आपके पैर जितनी हाइट होती है उनकी। शब्स क्या होते हैं बेटा, मीडियम, क्या बोल सकते हो आप, मीडियम इनकी हाइट होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका लेमन ट्री क्या होता है, आपका लेमन ट्री, तो आप ये बोल सकते हो स्लोइट मीडियम हाइट है, एग्जाम्पल इसका क्या हो गया लेमन, और स्टेम हमेशा इसका क्या होता है थिक होता है, बट नॉट थिक एज ट्री, मोटा तो होता है इनका स्टेम बट इतना मोटा नहीं होता कि जैसे ट्री का होता है, ट्री का क्या होता है, नीम का पेड़ होता है, आप उसको कितने लोग मिलकर कवर करते हो, ठीक है, कितने लोग आप उसको मिलकर क्या करते हो, कवर करते हो, कैसे कवर करते हो, अगर नींबू के पेड़ होता है, नींबू के पेड़ का स्टेम बहुत छोटा होता है, उसको आप हाथ से कवर कर लेते हो, और अगर आपको जैसे नीम का पेड़ बोल देते हैं, पीपल बोल देते हैं, इतने बड़े उनके स्टेम्स हो जाते हैं, उनको कवर करने के लिए दो दो इंसान चाहिए, इतने ज्यादा उनके स्टेम हो जाते हैं, उस हैवी स्टेम को आप क्या बोलते हो, ट्रंक बोलते हो। ट्रीज के अंदर क्या होता है, ट्रंक होती है, ट्रंक मतलब आपका जो एक मेन स्टेम होता है उसको आप क्या बोलते हो, ट्रंक बोलते हो, ठीक है। इनका स्टेम क्या होता है, वेरी थिक, बहुत ज्यादा क्या होता है, मोटा होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है, वेरी थिक एंड स्ट्रोंग, ठीक है, इतना आप समझ पाएंगे। उसके बाद ब्रांचेस की बात करते हैं बेटा, इनकी जो ब्रांचेस होती है वो क्या कहाँ होती है, इनकी ब्रांचेस जस्ट अबोव द ग्राउंड, जस्ट अबोव द ग्राउंड, ग्राउंड से क्या होती है, बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर, जैसे आपने देखा होगा पार्क वगैरह में हैज लगाते हैं, उनका क्या होता है, ग्राउंड से जस्ट थोड़ी सी ऊपर ही उनकी ब्रांचेस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। इनकी ब्रांचेस क्या होती है, थोड़ी सी हाइट होती है, क्या थोड़ी सी हाइट होती है, मोर देन द ब्रांचेस स्टार्ट मोर अबोव देन हर्ब्स, हर्ब्स से थोड़ा ऊपर इनकी ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती है, जैसे आपने नींबू के पेड़ में देखा होगा, ठीक है, या नारके में आपने देखा होगा, पोमीग्रेनेट में भी आपका होता है। ट्रीज के केस के लिए आपका कहता है कि जो ब्रांचेस है वेरी हाई, ब्रांचेस क्या होती है, ब्रांचेस आर स्टार्ट एट ए सफिशियंट हाइट, सफिशियंट हाइट का मतलब जैसे आप खड़े हो जाते हैं, आपने काफी बार देखा होगा कि किस तरह ऐसे केस होता है कि अगर आप पूरे खड़े हो जाएंगे फिर भी आपको पेड़ हाथ में नहीं आता, ठीक है, आपको सीढ़ी लगानी पड़ती है, आपको किसी भी तरह से उस पर क्लिम करना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, तो वो रीजन क्या है, वो ट्रीज का केस है वहां पे, वो क्या है आपका ट्रीज का केस है, वहां पे आपको सफिशियंट हाइट पे ब्रांचेस क्या होती है, स्टार्ट होती है। इस तरह से आपके प्लांट्स को आप थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, आप पहला कह रहे हो हर्ब्स, शर्ब्स और ट्री, ठीक है, इनसे अलग आपके टू टाइप्स के प्लांट्स और आते हैं, वो टू टाइप्स के आपके प्लांट्स क्या थे बेटा, टू टाइप के प्लांट आपके इस तरह से आते हैं, क्लिम्बर्स और आपका दूसरा क्या आता है, क्रीपर्स, फर्स्ट और सेकंड, क्लिम्बर और क्रीपर्स। तो बेटा क्लिम्बर और क्रीपर्स आपके किस तरह से काम आते हैं, क्लिम्बर और क्रीपर्स आपके इस तरह से काम आते हैं, क्लिम्बर्स क्या समझ रहे हो आप, कि कुछ ऐसे प्लांट्स जो अपने आप से उनका इतना स्टेम थिक नहीं है, इतना स्टेम स्ट्रांग नहीं है कि वो बिल्कुल सीधे खड़े हो सके या एक हाइट पे जा सके, उनकी जैसे आपकी कोई बेल वगैरह होती है ना, आप जैसे देखते हो तोरू की बेल होती है, घिया की बेल होती है, ठीक है, वो कैसे प्लांट्स होते हैं, वो आपके क्लिम्बर्स होते हैं। अगर उनको आप एक स्टेम दे देते हो, एक हाइट दे देते हो, एक आप स्टिक का यूज करा देते हो, जैसे क्लिम्बर का एक और एग्जांपल हो गया मनी प्लांट, उनकी खुद का एक स्टेम नहीं है, अगर उनको आप रस्सी से बांध के किसी भी हाइट के ऊपर आप लटकाते हैं या किसी भी दीवार के ऊपर आप रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं, उनको थोड़ा सा क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उसके बाद वो एक हाइट अटेंड कर लेते हैं जितनी आप कराना चाहते हैं उतनी। उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम, क्लिम्बर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उनको, क्लिम्बर्स बोलते हैं। और आपके क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स आपके वो प्लांट्स होते हैं जो आपके धरती में ग्राउंड्स में फैलते हैं, जो स्प्रेड होते हैं कहाँ पे, ग्राउंड में, जैसे फॉर एग्जांपल वाटरमेलन, वाटरमेलन आपको कभी देखा है अपने पेड़ पे ऐसे ऊपर चलता हुआ, वाटरमेलन हमेशा क्या होता है आपका धरती में फैलता है, ठीक है, मेलन हो गया आपका धरती में फैलता है, ठीक है। इस तरह से जो आप बोल सकते हो आप फ्रूट्स या प्लांट्स आपके जो ग्राउंड में स्प्रेड होते हैं उनको आप बोलते हो क्रीपर्स, और जो आपके स्टिक की हेल्प से या किसी भी सपोर्ट की वजह से हाइट में मूव करते हैं उनको क्या बोलते हैं आप, क्लिम्बर्स बोलते हो। एग्जाम्पल्स मैंने बता दिया, मनी प्लांट आपका क्या है, क्लिम्बर है, वाटरमेलन आपका क्या है, क्रीपर है, इस तरह से हो गया आपका। और आपको एग्जाम्पल्स और किस तरह से बताना चाहेंगे, आपको समझ में आया अब तक हमने क्या पढ़ा, प्लांट्स पढ़े, उसके थ्री मेन पार्ट्स पढ़े,
फ्लोरिंग प्लांट, नॉन फ्लोरिंग प्लांट, हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज, क्लिम्बर और क्रीपर्स. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. इसके अंदर आपको बस थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं. बेटा जो हर्ब्स होते हैं वो आपके ये नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए आपके लग गए पेड़, ये क्या होते हैं वन और टू सीजन चलते हैं. शब्स क्या कहते हैं कुछ साल चलते हैं. ट्रीज क्या होते हैं बेटा बहुत ज्यादा साल चलते हैं. अप्रोक्सीमेटली कुछ पेड़ ऐसे होते हैं 100-200 साल पुराने होते हैं, 100 ईयर्स और 200 ईयर्स तक भी वो पुराने होते हैं. ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर था गेटिंग टू नो प्लांट. ये वीडियो आपको कम्प्लीटली देखनी है. समझ में नहीं आता तो अपनी लाइव क्लासेस में आपको आना ही होता है. ठीक है, वहां पे कोई भी डाउट होता है वो अपना पूछिए, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे. थैंक यू.